हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने वाले हैं सैड टाइप बीट इन मोबाइल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे कोई भी सैड टाइप एक सिंपल सी बीट बना सकते हैं अपने मोबाइल से बैंडलैब एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप पूछोगे ये बैंडलैब क्या है, तो बैंडलैब एक ऐप है जिसके थ्रू आप खुद का म्यूज़िक बना सकते हो, अगर आपको नॉलेज है तो भी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए म्यूज़िक का, नोट्स का, थ्योरी वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत। अगर आपको नॉलेज नहीं है और चाहते हो कि आपको आपका कोई म्यूज़िक बनाना है, सैड टाइप बीट बनानी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी सैड टाइप बीट बनाना। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक सैड सी मेलेडी आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मेलेडी को यूज़ करके मैं एक पूरी बीट बनाऊँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके दिमाग में होनी चाहिए एक मेलेडी जिसके अकॉर्डिंग पूरा सॉन्ग बनेगा। उस मेलेडी को आपको कोई भी सैड टाइप इंस्ट्रूमेंट लेकर, जैसे कि लोफी पियानो, रोड्स वगैरह, ये सब यूज करके आपको बना लेना है एक मेलेडी। एक टिप मैं यहाँ पर दूंगी, आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और विंड इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज कर सकते हो क्योंकि सैड टाइप है। लेकिन अगर आप शुरुआत में अभी सिर्फ मेलेडी को नोट डाउन कर रहे हो, यानी कि बना ही रहे हो, तो आप उसे पहले पियानो में बनाएं ताकि क्लियरली आपको एक एक नोट क्लियर हो कि आपने क्या सोचा है और कैसा बन रहा है, उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। टिप हो गई। अब उसके बाद वापस आते हैं हम हमारे काम पे। तो उस मेलेडी को हमने बना लिया एक लोफी पियानो में, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेम्पो पर। तो आप आपका प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट करते हो तो आप आपका टेम्पो सेट कर लो 70 से लेके 100 के बीच में, कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर रखो, 75, 80, 85, 90, ऐसे 100 तक का टेम्पो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन यूजुअली हम इसी टेम्पो पे काम करते हैं। टेम्पो के थोड़ा ही नीचे आपको दिख जाती है प्रोजेक्ट की। तो अगर हम सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट की क्या रखनी है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मेलेडी सूझी है तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक, या तो पहले अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नोट्स जो आप ट्राई कर रहे हो, रैंडम नोट्स, और उनको यूज़ करके आप मेलेडी बना लो। या फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप पहले कोई एक स्केल चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, और उस स्केल के नोट्स को यूज़ करके आप अपनी मेलेडी बना लो। अब ये दोनों ही तरीके एकदम ईजी है, आपको जो ठीक लगता है आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका नोट्स लगाने में, इधर उधर रैंडम नोट्स ट्राई करने में टाइम बचे, तो आप पहले एक स्केल डिसाइड कर लो, उसके बाद आप आपकी मेलेडी बनाओ। ये तो हो गया की और टेम्पो का काम। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या लिया जाए और क्या बनाया जाए। तो नेक्स्ट बनानी होती है कॉर्ड्स। मैंने भी कॉर्ड्स का एक पैटर्न बनाया, मेरी मेलेडी को सुन सुन कर मैंने कॉर्ड्स को ट्राई कर उनकी एक लेंथ डिसाइड करी जो कि मेरी मेलेडी से बेस्ट सूट कर रही थी। कॉर्ड्स लगाने के लिए मैंने सिंपल मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, आप भी वही कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड्स के बाद आती हैं बेस लाइन। बेस लाइन भी मैंने बिल्कुल बेसिक बनाई है, यानी कि कॉर्ड्स के रूट नोट्स को यूज़ करके। तो बेस लाइन भी आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे बनानी है। अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो आप वैसे भी बेस लाइन बना सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद हमारे पास एक बेस तैयार हो चुका है हमारे सॉन्ग का, जिसमें हमारे पास है एक मेलेडी, दूसरी हमारे पास उसकी कॉर्ड्स और उसी की बेस लाइन। तो बेस तैयार हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है ड्रम्स लगाने का, यानी कि किक, स्नेयर्स और चुटकियाँ, तालियाँ या जो भी। ताली तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सैड टाइप है, थोड़ा सा लोफाई है। तो सबसे पहले मैंने बनाई है किक्स का पैटर्न। एक सिंपल सा किक का पैटर्न लगा लेने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग लगा लेना है स्नैप्स, यानी कि चुटकी, या फिर सॉफ्ट स्नेयर्स जो कि ज़्यादा शार्प भी ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा बाउंसी भी ना हो। ऐसे सिंपल स्नेयर यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने बनाए हैं एक स्नैप का पैटर्न, उसी के साथ लेयर किया है एक स्नेयर, और इसके बाद आप लास्ट में हाई हैट्स बना सकते हैं। अब देखो ऐसा है कि मैंने लास्ट में बनाई है तो मैं लास्ट में बोल रही हूँ, आप पहले हाई हैट्स भी बना सकते हो। आपको जो चीज़ पहले क्लिक हो रही है आप वो पहले बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें बना सकते हो। क्योंकि ये एक सॉन्ग है, सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, तो आप एक चीज़ बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें बनती है। तो इसी
इसी के साथ हो चुका है हमारा ड्रम्स का भी पैटर्न कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक एनवायरनमेंट बिल्ड करने पे। तो अब ये जो सॉन्ग है, ये जो बीट है, ये पूरी तरीके से बन तो चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमें कौन प्रोवाइड करता है? अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको आंसर पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पैड्स, यानी कि हमको यहाँ पर लगाने होंगे कुछ सिंथ पैड्स या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमको एक वॉल्यूम और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स कर सकती है और विंड इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी, और मोस्टली पैड्स। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं दो अलग अलग पैड्स, एक दूसरे को लेयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए, और उसका पैटर्न भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कॉर्ड्स का टॉप मोस्ट नोट उठाना है और उसी से पैड्स बना देने हैं। अगर आपको पैड्स में भी कुछ क्रिएटिव करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने मना बिल्कुल नहीं किया। अब जब ये काम हो चुका है तो अब हमको क्या करना है, इस सॉन्ग को, इन जो सारे पैटर्न्स को हमने बनाया है, इनको एक प्यारा सा अरेंजमेंट देना है जिससे कि ये एक सॉन्ग की तरह लगे, एक ढोल धमाके की तरह नहीं। तो इसको कर लेते हैं अरेंज। अरेंज करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जब मैंने इसको सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो चीज़ है जो एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, और फिर मैंने सोचा कि वो चीज़ क्या है, और मैं सोचती रही, लेकिन इतना नहीं सोचना पड़ा। मुझे पता था कि एक बैकग्राउंड मेलोडी चाहिए मुझे, जो कि मेरी मेन मेलोडी को थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो फिर क्या, मैंने बना दी एक बैकग्राउंड मेलोडी जो कि है सॉफ्ट सी, प्यारी सी, बिल्कुल पहली वाली मेलोडी की तरह। तो फिर इस बैकग्राउंड मेलोडी को मैंने कुछ अपना तिकड़म लगा के इसे कैसे भी कर दिया अरेंज। फिर मैंने लगाए इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स, और मैंने इनका किया वॉल्यूम एडजस्टमेंट और थोड़ी बहुत पैनिंग। और मैंने ये सब क्यों किया, ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी यही स्टेप्स करने हैं। अब इसके बाद फाइनल टिप पर आ जाते हैं। आप में से कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये बहुत बेसिक बीट है, इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताई है कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे प्रोसीड किया जाता है कोई भी चीज़, कोई भी टाइप की बीट बनाने के लिए। सैड टाइप थी इसलिए मैंने सैड टाइप का एक एग्जाम्पल दिया। इसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे इसको अच्छा और बेटर बनाना है, वो टोटली आपके क्रिएटिव दिमाग पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किल इम्प्रूव हो और आपको आइडियाज आए, तो आप सॉन्ग बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक कर ही आपको नए आइडियाज आना स्टार्ट होंगे। तो ये था मेरा छोटा सा मोटिवेशन। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट।